हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेन से परेशान हैं, हेडेक से परेशान हैं। बहुत बार वो लोग अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं। एक्चुअली माइग्रेन जो है उसका एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसे ट्रिगर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, बॉडी में हॉर्मोनल चेंजेस हो गए, पीरियड्स के दौरान कई बार माइग्रेन का अटैक ज़्यादा आता है, स्ट्रेस की वजह से आता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तब लोगों को अटैक आ जाता है, इमोशनल चेंजेस बॉडी में होते हैं तब आता है माइग्रेन का अटैक, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेन होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो नोन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप इन ट्रिगर फैक्टर्स को रोकें, क्योंकि ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है, ये ट्रिगर फैक्टर्स क्या करते हैं, जो हमारी ब्रेन की ट्राइजेमिनल नर्व है उसको ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व जैसे ही एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे जो पेन, बॉडी में पेन कैरिंग सिग्नल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सीरोटोनिन और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिलीज होते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि देयर इज सम इन्फ्लेमेशन। ब्लड वेसल्स में जो भी ब्रेन को सराउंड कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के निकलने की वजह से, और ये इन्फ्लेमेशन हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को स्वेल कर देती है, ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है। तो मेनली माइग्रेन में क्या होता है, ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम रोक देंगे तो हमारा माइग्रेन का इफेक्ट, माइग्रेन का पेन बहुत ही हद तक रुक जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हैं वो घरेलू नुस्खे, ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे हम माइग्रेन को ख़त्म कर सकें। माइग्रेन जो होता है बहुत सारे लोगों में 4 घंटे तक रहता है, कुछ लोगों में 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक भी रहता है। नॉर्मल जो पेन किलर्स हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह इसमें बिल्कुल काम नहीं करती हैं, बहुत ही थ्रॉबिंग और सीवियर पेन होता है, एक साइड में वो दर्द होता है, कई बार आँख तक चला जाता है, गर्दन तक चला जाता है, और 3 दिन तक हेडेक रहता है, आँख भारी रहती है, उस साइड फेस में भी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो पेन बहुत ही सीवियर होता है। कई बार कुछ लोगों को इस पेन के साथ नौजिया भी होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, कईयों को इस साउंड से प्रॉब्लम होती है, लाइट से प्रॉब्लम होती है। दो तरह के माइग्रेन होते हैं, एक माइग्रेन में तो आपको सीवियर पेन होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहेगी, और जो दूसरा माइग्रेन होता है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर्ड भी दिखेगा, आईज में भी थोड़ा थोड़ा ऑरा लगेगा आपको, लाइट हेडेडनेस हो जाएगी और थोड़ा सा आईज में भी आपको या तो ब्लर्ड दिखेगा जो टेम्प्ररी होगा, और ब्लर्ड विजन आपका हो जाएगा। तो आइए हम बात करें कि ये जो माइग्रेन है इसको घरेलू नुस्खे से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जितना पुराना आपको माइग्रेन है उतने ही टाइम तक आपको ये नुस्खे ट्राई करने हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारा माइग्रेन क्यों नहीं जल्दी ठीक हो रहा है, इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इसलिए आपको लगातार अगर आप लग के इसका उपाय करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये खुद पे ट्राई किया हुआ है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे क्लास 10th, 11th, 12th 3 साल तक माइग्रेन रहा, बहुत सारी मैंने मेडिसिन ट्राई की लेकिन उससे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होता था, मेडिसिन खा लो तो आराम रहता था, उसके बाद फिर से वो जो पेन है वो तेज़ हो जाता था। तो फिर ये जो मैंने घरेलू नुस्खे स्टडी करके, रिसर्चेस करके किए, तो उससे मेरा जो माइग्रेन है वो परमानेंटली ठीक हो गया। ये नुस्खे मैंने अपने ऊपर 5 मंथ्स तक किए थे, जब भी माइग्रेन होता था, जैसे कि 3 मंथ में 3 डेज हुआ, 4 डेज हुआ, तो बस आपको उन 4 दिन तक ये नुस्खे अपनाने हैं, उसके बाद आपका धीरे धीरे ये माइग्रेन ख़त्म होता चला जाएगा, जड़ से आपका ठीक होगा। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम जितनी क्रोनिक है उतने टाइम तक आपको इन नुस्खों को विश्वास के साथ अपनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो माइग्रेन है इसको हम एक सिंपल चाय बनाएंगे, एक स्पेशल टी बनाएंगे, जिसे हम अगर माइग्रेन के टाइम पे पिएंगे तो जो भी हमारी ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन आ गई है उसको हम ठीक कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्पेशल टी बनाएंगे जिसमें सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो गई है बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से, वो हम सप्रेस करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे, बॉडी में ऐसे पॉजिटिव सब्सटेंसेस रिलीज कराएंगे जिससे
इलेक्ट्रिक केटल में डाल दिया और गर्म करने के लिए ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने ली टर्मेरिक यानी हल्दी, एक चुटकी जस्ट अ बिट मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के लिए इस वॉर्म वाटर में डाल दी। इसके बाद मैंने लिया जिंजर, जिंजर को मैंने ग्रेट कर लिया। जिंजर को अच्छे से वॉश करके उसके बाद आप इसको ग्रेट करेंगे। इतना ग्रेट कर लीजिए कि इसकी 4 to 5 ड्रॉप्स आपको पानी में डालनी है। जिंजर की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी प्रेशर बन रहा है एसिडिटी की वजह से, गैस की वजह से, जो भी प्रेशर आपके ब्रेन में बन रहा है उसको खत्म करेगा, ब्रेन के प्रेशर को बढ़ने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं होंगी और हमारा जो पेन है वो थ्रॉबिंग पेन यानी बर्स नहीं होगा। ये हमने जिंजर को ब्रेक कर लिया है। अब मैं इसकी 4 बूंदें इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया सिनेमोन दालचीनी, दालचीनी भी मैंने जस्ट अ पिंच ऑफ इट इस चाय में डाल दी है। जस्ट अ पिंच ऑफ दालचीनी मैंने इस चाय में डाल दी है। इसके बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और इसमें एक स्पेशल इफेक्ट ये भी है कि जो हमारे हॉर्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स मेली पीरियड्स के टाइम पे जो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो सिनेमोन में एक खास ही प्रॉपर्टी है कि ये हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को, हमारे हॉर्मोन लेवल को बिल्कुल बैलेंस कर देगी। ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने लिया सॉल्ट, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इस चाय में डाल देंगे। नमक की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हमारे इन्फ्लेमेशन को रोकेंगी, उसको खत्म करेंगी। उसके बाद हमने लिया मेथी दाना, ये मेथी दाना पाउडर है। मेथी दाना का पाउडर बनाइए, जस्ट अ पिंच ऑफ इट आप इसमें डाल दीजिए। ये हमारे बॉडी के पीएच को जो डिस्टर्ब हो गया है पेन की वजह से उसको बैलेंस करेगा। इसके बाद ये लिया मैंने लेमन ग्रास ऑयल, टी ऑयल। इसमें बहुत सारी ऐसी लेमन ग्रास ऑयल, टी ऑयल, कोई भी आप लेमन ग्रास ऑयल ले सकते हैं, लेवेंडर ऑयल भी ले सकते हैं, पिपरमिंट ऑयल भी ले सकते हैं। इसकी आपको 2 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स आप इसमें डालेंगे, ये एनर्जेटिक का काम करेगा। 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन ग्रास ऑयल की डाल दी है।
पी के देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके हॉर्मोनल इंबैलेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देगा और आपका जो माइग्रेन है वो कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। सुबह उठते हो गया है, सुबह उठे हैं आपका बहुत सीवियर माइग्रेन हो रहा है, या फिर आप दोपहर की नींद से उठे हैं आपको बहुत ही सीवियर सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो दर्द है वो आपके एसिड बेस जो आपका पीएच है बॉडी का वो आपका डिस्टर्ब हो गया है। पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से आपको वो दर्द हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पीएच जो बैलेंस करे आपकी बॉडी का वो चीज़ें आपको खानी है। सबसे अच्छी वो चीज़ है एक एप्पल, ठीक है, आपको एक एप्पल लेना है, उसमें आप नमक स्प्रिंकल करिए और उस एप्पल को आप उठते ही सबसे पहले आप वो एप्पल खा लीजिए और उसके 15 मिनट्स बाद आप पानी पी लीजिए। उससे आपका जैसे ही धीरे धीरे बॉडी का एसिड बेस इम्बैलेंस जो हो गया है वो ठीक होगा, आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व होंगे और आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप एक और दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, अगर आपके सिम्टम्स मेनली सो के उठ के पेन के सिम्टम्स हमेशा बढ़ते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस चाय के ऑल्टरनेटिव में आप एप्पल सीडर विनेगर ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एक ढक्कन एप्पल सीडर विनेगर टू स्पून आपने एप्पल सीडर विनेगर डाला, मैग्नीशियम टैबलेट्स उन 4 दिन तक खा सकते हैं, या फिर आप 1 to 2 मंथ्स का
ब्रेन अटैक्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। साथ में रिसर्चर्स से देखा गया है कि जब माइग्रेन होता है तो उसमें हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से माइग्रेन अटैक्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। जिन लोगों में विटामिन B12 या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पाई गई उनमें बहुत सारे ऐसे माइग्रेनस अटैक्स आए, टेंशन हेडेक्स हुए और सर दर्द की बीमारी अक्सर पाई गई। तो फिर आपको साथ में मैग्नीशियम और विटामिन B12, न्यूरोबियन फोर्ड या कोई भी विटामिन B12 की आप जो गोली है वो लेंगे, लगातार आप इसको लीजिए और आपको बहुत सारा फायदा करेगी। बस आप ये याद रखिए कि कम से कम आपको इसमें जो भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा पनीर है, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये माइग्रेन का अटैक लाती है। इन चीज़ों को आप जितना लिमिट करेंगे उतना ही आप माइग्रेन का अटैक आपका कम से कम आएगा। ये तो हो गई पीने की बात, इसे आप लगातार पीजिए 4-5 मंथ्स करके देखिए। पहले ही महीने में आपका 20-30% पेन कम हो जाएगा, आपका जो शूटिंग पेन है वो नहीं आएगा। ये स्पेशल ये जो चाय बनाई है हमने एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसको पीते पीते ही आपको पता लगेगा कि कितना मेरा पेन खत्म हो गया। सो के उठ के अगर एसिड इम्बैलेंस की वजह से पेन होगा तो ये जो हमने साइट्रिक एसिड और हनी वाटर बनाया है इससे आपका पेन में इमीडिएट रिलीफ होगा। जैसे ही आपका बॉडी का पीएच बैलेंस होगा इमीडिएट रिलीफ पाएगा। अब बताएंगे जब माइग्रेन हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे सर में लगाए क्या, तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये हमने जिंजर लिया था, इसकी ड्रॉप्स आप डालिए, इसकी ड्रॉप्स ले लीजिए। इस ड्रॉप्स में आप 4 बूंदे कोकोनट ऑयल डालिए, जिंजर ड्रॉप्स में 4 बूंदे कोकोनट ऑयल डालिए और 4 बूंदे सीसम ऑयल या तिल का तेल डालिए। जिंजर का रस है, तिल का तेल है और कोकोनट का तेल है। इसको हमने होठों के ऊपर लगा लिया, होठों के ऊपर लगा लीजिए नाक के पास, ताकि उसकी स्मेल हम इनहेल कर सके। हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो रखी है वो इनहिबिट हो जाएगी इसकी स्मेल से। जैसे ही स्मेल अंदर जाएगी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सीरोटोनिन और जो पेन कॉजिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसे प्रोड्यूस करना कम कर देंगे। हमारी बॉडी में जो पेन कैरिंग सिग्नल्स हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। ये मैंने लिया, अच्छे से अपने अपर लिप्स और नोज के पास लगा लिया, जिससे इसकी वेपर्स हमारे अंदर जा रही हैं। जैसे ही माइग्रेन का अटैक है आप इन 3 चीज़ों को मिला के लगा लीजिए। साथ ही इन चीज़ों को अच्छे से फोरहेड पे लगाना है। जिंजर ड्रॉप्स, सीसम ऑयल, तिल दैट इज तिल ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, इसकी मसाज जहाँ पर भी दर्द है, फेस पे है आपको यहाँ पे फोरहेड पे करना है, अपर लिप्स पे लगा के छोड़ देना है और इनहेल करना है। 20-30 सेकेंड्स इसकी मसाज करते रहिए, इमीडिएट इफेक्ट होगा, मिराकुलस चेंजेस मिलेंगे आपको अपने दर्द में, बहुत ही लाइट फील होगा आपको, सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, बहुत ही आपको लाइट फील होगा। दो बूंदे इसकी नेक पे मसाज करें, नेक पे भी अच्छे से इसकी मसाज कर लीजिए। और रात में सोते समय इसी तेल को आपको पैरों के तलवों पे लगा के अच्छे से सोना है, याद रखिए। इसी तेल को आप रात में पैरों के तलवों के नीचे भी लगा सकते हैं, अपर लिप्स पे, फोरहेड पे और नेक पे। जब भी अटैक आए ये सारे काम आप करेंगे, फिर आप देखेंगे 1 या 2 महीने के अंदर एक ही दिन में आपको इफेक्ट मिलेगा, 20-30% पेन आपका कम हो जाएगा। महीने 2 महीने में आपका माइग्रेन अटैक बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। अगर आपको महीने में 2 बार आता है तो पहले 1 बार आएगा, फिर 2 महीने में आएगा, फिर 3 महीने में आएगा, ऐसे करते करते एकदम से ये माइग्रेन नहीं जाता है, धीरे धीरे करते करते माइग्रेन जड़ से चला जाएगा। एक बार जड़ से चला गया, एक बार आपकी बॉडी अडैप्ट हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर
बॉडी में कोई असर नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी, क्योंकि ये होता है। ये सारी चीज़ें करिए। स्पेशल माइग्रेन टी, एप्पल सीडर विनेगर विद हनी एंड दिस वन, तीनों ऑयल्स को लगा के आप अच्छे से मसाज करिए। इससे आपका पेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं तो ये बीमारी अगर एक बार आपकी चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अपनी प्रॉब्लम जितनी क्रोनिक है उसके हिसाब से आपको हार्ड वर्क के साथ, जिज्ञासा के साथ इस सारी प्रोसेस को करते रहना है। जैसे ही अटैक आए तुरंत इसको करिए। 2 या 3 महीने में मैक्सिमम आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाएगी। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फॉरन के आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू।